हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर। अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं और आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा तो ये कहानी आपको समझ नहीं आएगी, इसीलिए जाकर आप इसका पहला पार्ट देख ले जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी का दूसरा पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। चारों बोट से हांगकांग पहुंचते हैं। अब पार्क को ढूंढने के लिए उन्हें पहले उस लड़की को ढूंढना होगा जो उन्हें इन्फॉर्मेशन देने आई थी। येनिकोल बताती है उसे ढूंढने का एक ही रास्ता है, वो रोल्स रॉयस कार जिससे वो उन्हें मिलने आई थी। जरूर वो कार किराए की होगी। कुछ समय में ही उन्होंने उस कार को ढूंढ लिया था। वहां का एम्प्लॉय बताता है इस कार को 6 दिन पहले एक कोरियन लड़की ने किराए पर लिया था। येनिकोल उस कार में बैठते ही अपनी घड़ी उतार कर कहती है उसे ये घड़ी कार में मिली। अब उस घड़ी को वापस करने वो लोग उस लड़की की डिटेल निकालते हैं और उसी समय पेप्सी भी वहाँ क्लाइंट बनकर बैठी थी, वो उस डिटेल की फोटो ले लेती है। अब सभी उसके घर पहुँचते हैं लेकिन उसके घर में कोई नहीं था। पेप्सी जाकर उसका फोन चेक करती है, उसमें भूसान के होटल से होटल कन्फर्मेशन का वॉइस मेल आया था। इसका मतलब वो लड़की और पार्क भूसान में है। दूसरी तरफ जूली को उसका सीनियर बताता है टिफनी के पीछे लगे पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया है और ये काम व्यंगहोंग का ही होगा। और अब उसका दूसरा टारगेट पार्क है। उन्हें भी पता चल चुका था व्यंगहोंग के साथ पार्क की मीटिंग भूसान में है। कोरिया में उसका एक दोस्त है जो व्यंगहोंग को पकड़ने में उनकी मदद करेगा। जूलिया और उसका सीनियर भी कोरिया पहुंच गए थे और वो ऑफिसर वही था जो मूवी की शुरुआत में पपोय के गैराज आया था। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, तभी वहाँ पेप्सी और बाकी लोग आते हैं। वो बताती है वो एक एक्ट्रेस है लेकिन वो उन्हें पार्क के बारे में कुछ नहीं बताएगी क्योंकि वो बेईमान नहीं है। लेकिन वो लोग उसे मारने की जगह उसके कुत्ते को मारने की धमकी देते हैं, इसीलिए वो उन्हें पार्क के बारे में बता देती है। फिर हम पार्क को देखते हैं, वो साइकिल से किसी छोटे से होटल में आता है। उस होटल को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। अब पुलिस को पार्क की लोकेशन कैसे पता चली? तो सिंपल सी बात है, वो लोग मकाऊ से ही उसका पीछा करवा रहे हैं। इस पुलिस की टीम में मकाऊ और कोरिया दोनों की ही पुलिस शामिल है, साथ ही वहाँ जूलिया भी थी। पार्क सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पेप्सी और बाकी लोग पहुँचते हैं लेकिन पपोय उस डिटेक्टिव को कार में देख लेता है। वो लोग समझ जाते हैं पुलिस ने यहाँ जाल बिछाया हुआ है। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि अपने बाप मतलब पार्क के पास से डायमंड को चुराएंगे। अब कुछ ही देर बाद होटल के बाहर ट्रैफिक पुलिस आकर उस डिटेक्टिव की कार को टो करने लगती है। इसी बीच एंड्रू चुपके से होटल के अंदर चला जाता है और होटल की लिफ्ट खराब कर देता है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनके साथ वो लड़की भी थी, वो उसे पार्क को बाहर बुलाने कहते हैं वरना उसके डॉग को मार देंगे। वही पार्क को होटल रूम में उसका कॉल आता है, उसके पास क्लाइंबिंग का सामान रखा था, वो उससे आधे घंटे में मिलने वाला था। पार्क बाहर निकलता है जहां लोग लिफ्ट खराब होने की शिकायत कर रहे थे। पुलिस वालों ने अभी तक उस पर नजर रखी थी। उसके जाने पर वो डिटेक्टिव उसे फॉलो करता है। अब पार्क के जाते ही वहां पपोय और बाकी लोग लिफ्ट मेंटेनेंस स्टाफ बनकर आते हैं। उनके ऊपर जाते ही एंड्रू बाहर निकलता है। अब पपोय लिफ्ट में जाता है, वही पेप्सी और येनिकोल पार्क के रूम की तरफ जाते हैं। पेप्सी उसका लॉक खोलती है और अंदर जाते ही दोनों वहां डायमंड ढूंढने लगती है लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिल रहा था। तभी पेप्सी को याद आता है पार्क ने हांगकांग के होटल में भी 2 रूम लिए थे, वो हमेशा 2 रूम लेता है। वही बाहर पुलिस एक काली गाड़ी को नोटिस करती है, वो कार इस एरिया के 3 चक्कर लगा चुकी है। वही ऊपर पेप्सी पार्क के रूम से निकलकर दूसरे रूम्स देखने लगती है, तब उसे एक रूम के दरवाजे पर कुछ लगा हुआ दिखाई देता है। पहले पेप्सी उस रूम की डोरबेल बजाती है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, मतलब ये रूम भी पार्क का ही है। वहाँ पर लाइट नहीं थी लेकिन वहाँ पार्क का पासपोर्ट और कुछ सामान रखा हुआ था। वही बाहर पार्क उस एक्ट्रेस से मिलने जाता है जहाँ बाहर से उस पर एंड्रू ने नजर रखी थी और वो सभी के साथ फोन पर कनेक्टेड है। वही बाहर जूली और उसका सीनियर भी आया था। उसके आते ही वो एक्ट्रेस अपने फोन से कॉल लगाती है जिससे सभी उनकी बातें सुन सके, वो उसके लिए टिकट लाई थी। पार्क उससे उसके पैसे देता है, तभी येनिकोल उससे बोलती है वो पार्क को उलझाए रखे क्योंकि उन्हें अभी तक डायमंड नहीं मिला। अब उसे उलझाने के लिए वो एक्ट्रेस पेप्सी का जिक्र करती है, वो पूछती है उसने मकाऊ में उसकी जान क्यों बचाई। तब पेप्सी को पता चलता है उसे पार्क ने बचाया था जबकि पेप्सी ने पपोय के साथ मिलकर उसे धोखा दिया था। अब ये सुनकर सभी हैरान थे क्योंकि पार्क ने उन्हें धोखा दिया था सोना चुराकर। अब यहाँ मूवी का एक और सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल उस शाफ्ट में गिरने के बाद पार्क का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। उस बिल्डिंग का अलार्म बजते ही वो सीवर लाइन में चला गया, वो रेंगता हुआ बाहर निकला जिसमें उसे पूरी रात लग गई। और जब वो पपोय के गैराज पहुंचा तो उसे दिखाई दिया पेप्सी और पपोय आपस में किस कर रहे हैं। तब से उसे लगता था उस दिन वायर को पेप्सी और पपोय ने मिलकर काटा होगा, लेकिन तभी
तभी पेप्सी के ईयर पीस में कुछ डिस्टर्बेंस आती है, तभी वहाँ लाइट भी वापस आ जाती है। तब झूमर की रोशनी से उसे पता चलता है वो डायमंड झूमर के एक ग्लास में है, लेकिन वो डायमंड छोड़कर पार्क की बातें सुनने लगती है। पार्क बोल रहा था उसे समझ में आ गया है पेप्सी ने उस वायर को नहीं काटा था, बल्कि उसने काटा था जो उससे जलता है, पेप्सी को मन ही मन पसंद करता है, मतलब वायर डैमेज करने वाला पपोय है। पेप्सी को भी समझ में आ गया था उसके जेल जाने और पार्क से उसके अलग होने की वजह सिर्फ और सिर्फ पपोय है। फिर पार्क जाने लगता है, लेकिन वो एक्ट्रेस उससे पूछ लेती है उसने उस डायमंड को कहां रखा है, जिससे पार्क को उस पर शक हो जाता है। वो उसके बाल हटाकर देखता है क्योंकि उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और उसका फोन भी कनेक्टेड है। वो उसका फोन सुनता है जिसमें पेप्सी पपोय से पूछ रही थी क्या उसने ही पार्क की वायर डैमेज की थी, लेकिन यहाँ पपोय उसे गाली देकर डायमंड ढूंढने कहता है, जिससे पेप्सी समझ जाती है पार्क बिल्कुल सच बोल रहा था और जैसा वो समझ रही थी पार्क ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। इसीलिए पेप्सी उस झूमर के स्विच को तोड़कर कहती है वो खुद ही आकर डायमंड ढूंढ ले, लेकिन उसके बाहर निकलते ही वहाँ येनिकोल खड़ी थी। येनिकोल उनकी लव स्टोरी का मजाक बनाते हुए पेप्सी से डायमंड के बारे में पूछती है, लेकिन पेप्सी कहती है अंदर कुछ नहीं है, लेकिन येनिकोल समझ गई थी पेप्सी झूठ बोल रही है। वो उससे नकली डायमंड ले लेती है क्योंकि उसे पता है उसने नकली डायमंड मकाऊ से पिकअप किया है, लेकिन पेप्सी उसे दरवाजा खोलकर नहीं देती और वहां से चली जाती है। अब पार्क बात करता है उसे समझ में आ गया था वो लोग उसके रूम में डायमंड ढूंढ रहे हैं। वही पेप्सी उससे 4 साल नफरत करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन बीच में ही पपोय उसका कॉल कट कर देता है। फिर पार्क उसे धमकी देता है वो 5 मिनट में वहां से निकल जाए, लेकिन पपोय पर उसकी धमकी का कोई असर नहीं होता क्योंकि येनिकोल बाहर से उसके कमरे में जाने का रास्ता ढूंढ रही है और कुछ ही देर में वो उसके कमरे में पहुंच कर डायमंड ढूंढ लेगी। पार्क कॉल कट कर देता है, तभी उसके सामने गाड़ी आकर रुकती है। वो लोग व्यूंग के आदमी थे, वो लोग उसके लिए $10,00,000 के बैरर बॉन्ड लाए थे। पार्क उनके साथ होटल के लिए निकल जाता है। उसके जाते ही डिटेक्टिव भी उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन दोनों को जाते हुए एंड्रू ने देख लिया था। वो तुरंत पपोय को बता देता है पार्क आ रहा है। दूसरी तरफ येनिकोल विंडो के जरिए पार्क के रूम में पहुंच चुकी थी। अब येनिकोल पार्क की तरह सोचने की कोशिश करती है कि अगर वो पार्क होती तो डायमंड कहां रखती। वही होटल के बाहर पुलिस की टीम अलर्ट हो जाती है क्योंकि पार्क वापस आ गया था और जिन लोगों के साथ वो आया है उन लोगों के पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। अब जूलिया और ऑफिसर भी होटल के बाहर आ चुके थे। पार्क उन लोगों के साथ कमरे की तरफ जा रहा था जहां सीढ़ियों पर उसे पेप्सी दिखाई देती है। वो उसे कोरियन में केयरफुल रहने कहती है। अब वो कार जो यहां चक्कर मार रही थी वो इस बार होटल के बाहर आकर रुकती है। फिर पुलिस वाले देखते हैं उसमें से 3 लोग उतरते हैं और आखिर में एक और आदमी उतरता है। चारों के होटल की तरफ जाते समय पेप्सी बाहर निकलती है, फिर लिफ्ट मेंटेनेंस की वैन लेकर वहां से निकल जाती है। वही दूसरी तरफ येनिकोल अभी भी उस डायमंड को ढूंढ रही थी, लेकिन आखिर में उसे डायमंड दिख जाता है। पहले तो वो नाचने लगती है कि उसने ढूंढ लिया, लेकिन बाहर पार्क उन लोगों के साथ आ चुका था। पार्क को दरवाजे में लगा पेपर गिरा हुआ दिख जाता है। वही अंदर येनिकोल उस डायमंड को नकली डायमंड से बदलती है और उनके आते ही वेंटिलेटर शाफ्ट में चली जाती है। यहाँ उस आदमी और पार्क में थोड़ी बहस होने से वो लोग पार्क पर गन तान देते हैं, लेकिन बाहर व्योंगहुंग आ चुका था, उसे पहले डील खत्म करनी है। पार्क सभी को डायमंड दिखाता है। वही बाहर पुलिस ने स्वाट टीम को बुला लिया था। स्वाट टीम व्योंगहुंग को पकड़ने होटल के अंदर जाना शुरू करती है। पपोय भी स्वाट टीम को देख लेता है, इसीलिए लिफ्ट का दरवाजा बंद करके लिफ्ट के ऊपर चला जाता है। येनिकोल बताती है असली डायमंड उसके पास है। अब वो रेंगते हुए पपोय के पास आ रही थी। अब व्योंगहुंग के लोग उस डायमंड को चेक कर रहे थे। तब पार्क व्योंगहुंग को बताता है उसे इस होटल के इस कमरे में बुलाने का एक खास मकसद है, लेकिन यहाँ पता चलता है व्योंगहुंग वो नहीं है बल्कि वो आदमी है जो नकली व्योंगहुंग का गार्ड बनकर आया था और पार्क उसे पहचानता है। व्योंगहुंग पार्क से काफी हैरान था और उसे ये कमरा याद भी है क्योंकि कुछ साल पहले 2 चोर उसे इसी कमरे में यही डायमंड बेचने आए थे। तब पार्क कहता है 2 नहीं 3। अब यहाँ एक और सस्पेंस रिवील होता है। दरअसल जब चेन व्योंगहुंग को डायमंड बेचने यही आया था और व्योंगहुंग ने उसके दोस्त को मार दिया था तो उसका दोस्त और कोई नहीं बल्कि पार्क के डैड थे और उस समय पार्क इसी कमरे में बैठ के नीचे छुपा हुआ था। इसका मतलब ये सब प्लानिंग पार्क ने व्योंगहुंग को उसी डायमंड की डील करने इसी होटल के इसी कमरे में लाने के लिए की थी ताकि वो उससे अपने बाप की मौत का बदला ले सके, लेकिन इस बात से व्योंगहुंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्क कहता है वो यहाँ से जाने नहीं वाला बल्कि पकड़े जाने वाला है क्योंकि उसने पहले ही उसके लिए जाल बिछा दिया है। मतलब अब तक पुलिस वही कर रही थी जैसा पार्क चाहता था। तभी उसका आदमी बताता है ये डायमंड नकली है। वो लोग उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन पार्क बाहर भाग गया था। वो लटकते हुए खिड़की से निचले फ्लोर पर जंप करता है।
स्वाट टीम और पपॉय को भी गन शॉट की आवाज आती है। व्योंगोंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ सुनाई देता है क्योंकि बाहर स्वाट टीम दरवाजे पर बम लगा रही थी, लेकिन वो लोग अंदर से गोलियां चलाने लगते हैं जिससे वो बम ब्लास्ट होता है और स्वाट टीम के कुछ लोग घायल होते हैं। अब यहाँ स्वाट टीम और व्योंगोंग के आदमियों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। कवर मिलते ही व्योंगोंग वहाँ से जाने लगता है। वही नीचे पार्क भाग रहा था, अभी उसके पास एक बैग है, वही ऊपर एक आदमी मारा जाता है और दूसरा वह ग्रेनेड से ब्लास्ट करता है जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। पार्क सीढ़ियों से भाग रहा था लेकिन वहाँ व्योंगोंग के आदमी उस पर गोलियां चलाते हैं। जूली का बॉस उसे बाहर कवर देने कहता है और वो बाकी ऑफिसर के साथ ऊपर जाता है। पार्क अभी भी भाग रहा था और व्योंगोंग और उसके आदमी उसका पीछा कर रहे थे, वो अभी भी उनसे बच रहा था। तभी उसकी एक आदमी के साथ हाथापाई होती है लेकिन वो बहुत फास्ट था। तभी व्योंगोंग भी वहाँ आ जाता है, इसीलिए पार्क रस्सी फंसा कर खिड़की से जंप करता है। अब वो रस्सी से लटक रहा था लेकिन तभी एक आदमी आकर उस पर शूट करता है जिससे उसकी रस्सी टूट जाती है और वो एसी से लटक जाता है। वही दूसरी तरफ येनिकोल पोपॉय की तरफ आ रही थी। पोपॉय उसे डायमंड उसकी तरफ फेंकने कहता है लेकिन येनिकोल नहीं मानती क्योंकि उसे पोपॉय पर यकीन नहीं है, लेकिन पोपॉय उसे मनाने लगता है क्योंकि यहाँ हर जगह पुलिस फैल चुकी है। वही दूसरी तरफ व्योंगोंग के आदमियों ने अभी तक पार्क का पीछा नहीं छोड़ा था। तभी पार्क को एक वायर मिलता है और वो उससे झूलता हुआ बिल्डिंग की दूसरी तरफ जाता है, लेकिन वो आदमी भी बहुत ढीठ था, वो भी वायर पकड़कर उस तरफ आ गया था। वहाँ आते ही वो पार्क पर शूट करने लगता है। पार्क गैलरी से आगे बढ़ रहा था लेकिन सामने की खिड़की से भी दूसरा आदमी निकलकर उस पर शूट करने लगता है, वो भी रस्सी बांधकर नीचे आता है। फिलहाल पार्क उन दोनों के बीच छुपा हुआ था। अब दोनों फायरिंग रोक कर उसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्क को भी एक वायर मिल गया था। तभी उसके सामने वाला आदमी अपने गन की मैगजीन बदलता है जो पार्क सुन लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ लटकते हुए दोनों में फाइट होती है लेकिन पार्क उसे एक बोट से टकरा कर बेहोश कर देता है, लेकिन दूसरा आदमी अभी भी उसकी तरफ आ रहा था। पार्क तुरंत एक वायर बांध कर नीचे जंप करता है और खिड़की तोड़ता हुआ सीधा अंदर आ जाता है, लेकिन व्योंगोंग और उसके आदमियों ने उसे देख लिया था। अब वो आदमी भी वायर पकड़कर नीचे आ रहा था लेकिन उसका दूसरा सिरा पार्क से बंधा था। पार्क वायर छोड़ देता है और वो आदमी नीचे गिरकर मारा जाता है। अब पार्क लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहा था लेकिन बाहर निकलते ही उसे स्वाट टीम पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहाँ व्योंगोंग और उसका आदमी आकर फायरिंग करने लगते हैं। अब स्वाट टीम और उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। पार्क देखता है सामने ही शटर है, वो तुरंत उसकी बटन दबाता है और उसकी दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ भी व्योंगोंग का आदमी आ गया था। वो दोनों लड़ने लगते हैं। व्योंगोंग का दूसरा आदमी उसे कवर देता है और वो भी वहाँ से निकल जाता है। वही लिफ्ट शॉप में येनिकोल उस डायमंड को पोपॉय की तरफ फेंक देती है। उसी समय ऊपर पार्क उस आदमी से लड़ रहा था, वो उसे लेकर लिफ्ट शॉप में गिरता है। दोनों लिफ्ट पर गिरते हैं। पार्क तो लिफ्ट पकड़ लेता है लेकिन वो आदमी गिरकर मारा जाता है। पोपॉय देखता है वो डायमंड वही पड़ा है। वो तुरंत एक लोहे के टुकड़े से पार्क पर हमला करता है लेकिन पार्क काफी तेज था और उससे ज्यादा ताकतवर भी। पार्क उससे पूछता है उसने वायर क्यों काटी थी, लेकिन पोपॉय को इस बात का कोई पछतावा नहीं था क्योंकि वो हमेशा से पार्क से जलता आया है। लेकिन पार्क के लिए तो पोपॉय बचपन का दोस्त था, इसीलिए इतना सब करने के बाद भी वो उसे मार नहीं पाता और लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। बाहर जूली ने नजर रखी थी। पार्क कैप पहन के उसके बगल से निकलता है। जूली के सामने उस आदमी की डेड बॉडी आई थी जिसे वो व्योंगोंग समझ रहे थे, लेकिन जूली देखती है उसके हाथ पर बटरफ्लाई टैटू नहीं है, मतलब ये आदमी व्योंगोंग भी नहीं है। लेकिन वो पार्क को जाते हुए देख लेती है। वही पोपॉय बहुत खुश हो रहा था क्योंकि पार्क ने उस डायमंड को देखा तक नहीं जबकि वो उसके पास ही पड़ा था। वही कोरिया और चाइनीज दोनों डिटेक्टिव को गनशॉट की आवाज आती है। वो देखते हैं व्योंगोंग दो ऑफिसर को मारकर जा रहा है। अब दोनों उसके पीछे जाते हैं। वही पार्क बाहर निकलकर पुलिस की कार लेकर निकल जाता है, लेकिन जूली ने उसे देख लिया था। वो उसे रोकने की कोशिश करती है फिर उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ जैसे ही व्योंगोंग बाहर आता है दोनों डिटेक्टिव उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। व्योंगोंग कहता है वो जहां भी जाता है अपना इंतजाम पहले ही कर लेता है। तभी कोरिया का डिटेक्टिव चाइनीज डिटेक्टिव को गोली मार देता है, मतलब वो भी व्योंगोंग से मिला हुआ है। व्योंगोंग उससे पार्क के बारे में पूछता है, वो बताता है वो जरूर पोर्ट गया होगा। अब जाते हुए व्योंगोंग उसे भी गोली मार देता है। अब पोपॉय बाहर निकलकर अपना ब्लूटूथ फेंक देता है क्योंकि वो डायमंड लेकर भाग रहा था। तब येनिकोल एंड्रू से पोपॉय का पीछा करने बोलती है क्योंकि वो भी बाहर ही था। अब यहाँ एंड्रू और पोपॉय में एक चेस सीन होता है, लेकिन एंड में पोपॉय को एक कार टक्कर मार देती है और वो डायमंड भी पास में ही गिर गया था। एंड्रू भी वहाँ पहुँचता है लेकिन तभी एक बाइक उस डायमंड के ऊपर से निकलती है। जब एंड्रू उस डायमंड को देखता है तो वो टूट चुका था। वो येनिकोल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। लेकिन पोपॉय को समझ
में आ जाता है। येनिकॉल ने उसे नकली डायमंड दिया था। पोपोई उसे गालियां देने लगता है। वही येनिकॉल वेंटिलेटर शाफ्ट से बाहर निकलती है। हमें फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब पोपोई ने कोरिया कॉल करके नकली डायमंड बनाने कहा था। येनिकॉल ने भी उसी आदमी से डबल कीमत पर एक और नकली डायमंड बनवाया था और उसने नकली डायमंड के डबल पैसे इसीलिए दिए ताकि वो आदमी दूसरे नकली डायमंड के बारे में पोपोई को ना बताए। फिर जहाँ से पेप्सी ने नकली डायमंड पिकअप किया था, कुछ ही देर बाद येनिकॉल ने भी अपना डायमंड वहीं से पिकअप किया। अब प्रेजेंट टाइम में येनिकॉल बहते हुए पानी में नहाने लगती है। वहाँ स्वाट टीम भी आ रही थी। फिर वो टॉवेल बांधकर घबराते हुए नीचे आती है। अब स्वाट टीम उसे सिविलियन समझकर नीचे लेकर जाती है। बाहर वो लोग उसे जूते और कपड़े देते हैं। तब येनिकॉल अपने सिर में बंधे टॉवेल में से वो डायमंड निकाल कर बहुत खुश होती है। उसे थोड़ी देर के लिए जोम्पानों और च्युइंगम की याद तो आती है, लेकिन फिर वो खुद को कहती है ये सब उसने अकेले ही किया है। फिर वहाँ से लहराते हुए निकल जाती है। दूसरी तरफ पार्क पोर्ट पर पहुँचता है। अंदर उसे पेप्सी दिखाई देती है। अब दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी पार्क देखता है व्योंगहोंग पेप्सी के पीछे से आ रहा है। इसीलिए उसे गायब होना पड़ता है क्योंकि व्योंगहोंग को पेप्सी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब व्योंगहोंग पार्क को ढूंढ रहा था, लेकिन पार्क बचते बचाते फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचता है। पेप्सी और व्योंगहोंग दोनों ही उसे ढूंढ रहे थे। तभी पार्क देखता है उसका पीछा करते हुए जूली भी वहाँ पहुँच गई है। जूली को पार्क तो नहीं मिलता, लेकिन उसे पेप्सी दिख जाती है। अब जूली पेप्सी को गिरफ्तार करने लगती है, जबकि पेप्सी उसे अपनी दोस्त समझती थी। अब पेप्सी को बचाने के लिए पार्क व्योंगहोंग का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है। उसे देखते ही व्योंगहोंग उसकी तरफ शूट करता है। जूली भी व्योंगहोंग को देख लेती है। व्योंगहोंग ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जूली भी पेप्सी को छोड़कर व्योंगहोंग की तरफ भागती है। व्योंगहोंग जूली को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसे ही शूट कर देती है। अब इस बीच पेप्सी वहाँ से निकल जाती है। जूली उसके हाथ का बटरफ्लाई टैटू देखकर कंफर्म करती है। वो देखती है पेप्सी जा चुकी है, और वैसे भी उनका मेन मिशन व्योंगहोंग को पकड़ना था। व्योंगहोंग को गिरफ्तार होता देख पार्क भी वहाँ से चला जाता है। अब इस तरह पार्क और पेप्सी मिलते मिलते रह जाते हैं। अब कुछ दिन बाद पेप्सी आखिरी बार पोपोई के गैराज आकर सभी सबूत जला देती है। फिर वो अपना सामान रखने अपने कार की डिक्की खोलती है, लेकिन वो अटक गई थी। कुछ सेकंड्स बाद उसे याद आता है डूबने से बचने के बाद उसके हाथ में चाबी जैसा कोई लॉकेट बंधा था। वो उस चाबी को कार की डिक्की में लगाकर देखती है, जिससे डिक्की खुल जाती है। तब पेप्सी शॉक रह जाती है क्योंकि उसकी डिक्की में 4 साल पहले चुराया सारा सोना रखा हुआ था। तभी उसे गैराज में कुछ आवाज आती है। जब पेप्सी जाकर देखती है तो वहाँ वो आदमी था जिसने उसे और येनिकॉल को नकली डायमंड बनाकर दिया था। वो यहाँ अपना कुछ सामान लेने आया था क्योंकि पोपोई तो जेल में है। पेप्सी उससे पूछती है येनिकॉल कहाँ है। वो बताता है उसके बायर को वो डायमंड बेचने येनिकॉल हांगकांग गई है। अगले सीन में हम देखते हैं पेप्सी हांगकांग की फ्लाइट में है। फ्लाइट में उसे वही डायरेक्टर मिलता है जिसे येनिकॉल और च्युइंगम ने मूवी की शुरुआत में लूटा था। साथ ही उसकी मैगजीन में फोटो भी आई थी। वो पेप्सी से फ्लर्ट करते हुए उससे डिनर के लिए पूछता है, और पेप्सी मान भी जाती है क्योंकि ये पहले से उसका ही प्लान था। दूसरी तरफ हांगकांग के एक होटल में येनिकॉल एंजॉय कर रही थी। तभी उसे सामने पेप्सी दिखाई देती है। वो उसे देखकर खुश होने का नाटक करती है। पेप्सी के पास बायर की लिस्ट थी जो उसने पार्क से चुराई थी। येनिकॉल उस लिस्ट के बदले उसे 30% ऑफर करती है और उसे अपना 1 महीने का होटल बिल भरने कहती है। तब पेप्सी कहती है वो बिल भरने किसी और को लाई है। येनिकॉल देखती है ये वही आर्ट गैलरी का डायरेक्टर है। उसे देखते ही वो पुल में कूद जाती है। तभी उसे पार्क का कॉल आता है। पेप्सी उसके साथ सब कुछ ठीक करके दोबारा शुरुआत करना चाहती है। उसे ये भी समझ में आ गया था पार्क हांगकांग में ही है। फिर हम देखते हैं पार्क उसी होटल में है अपने बूढ़े आदमी के भेष में। वो कहता है वो जरूर सब कुछ फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अभी उसे एक आखिरी चोरी करनी है। फिर हम देखते हैं पार्क वहाँ से किसी के रूम में जाता है। वही पेप्सी के पास वो डायरेक्टर आकर उसकी फ्रेंड मतलब येनिकॉल के बारे में पूछता है। वो बेचारी अभी तक पुल के अंदर ही थी। पेप्सी बताती है उसके होटल का 1 महीने का बिल बचा हुआ है। वो डायरेक्टर कहता है उसे पता है क्योंकि डेस्क पर उसे किसी ने रोका था, क्योंकि किसी और ने उसका बिल पे कर दिया है और उसका सामान लेने उसके रूम में गया है। पेप्सी समझ जाती है पार्क डायमंड लेने येनिकॉल के रूम में गया है। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।